ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 11 नवंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:33 हो रहे। कल निफ्टी ने जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी ने फिर एक बार नया हाई, रिकॉर्ड हाई यहाँ पर क्रिएट किया है। तो आज निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे, इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 10 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,500 के पास। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ सेकेंड टारगेट के ऊपर, और यहाँ से जब ये नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा और ब्रेकआउट लेवल को ये पेनेट्रेट करने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 12,518 और सेकेंड टारगेट 12,537 ये दोनों यहाँ पर अचीव हुआ है। और इसके ऊपर कंटिन्यूज मार्केट कल अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फिजर जो कि कंपनी है, वैक्सीन बना रही है कोविड-19 का, उसका थर्ड फेज के टेस्टिंग का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में एक तेजी देखने को मिली। उस साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया। तो और कल बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया। इंडिया की सरकार वहां पर फिर से बनने जा रही है। तो पॉजिटिव वे में ग्लोबल मार्केट्स दिखाई दे रहे। लेकिन कल एक जबरदस्त तेजी के बाद यूएस मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, एक करेक्शन देखने को मिला। नासडैक करीब 159 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो अभी अच्छे खासे हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 63 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जापानीज इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 400 के ऊपर पॉइंट्स के साथ ट्रेड इस समय कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी 84 पॉइंट्स का इस समय मजबूती दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव वे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। पहले तो हमने देखा कैसे 4 वीक कैसे लगातार इसने 38.2% के लेवल के पास एक हर्डल फेस किया। इसको ब्रेक करने के बाद 50% का लेवल अचीव किया और कल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 61.8% के लेवल के पास इसने हाई लगाया। तो काफी एक्यूरेट ये टूल के लेवल साबित हुए। अभी इसके ऊपर अगर चला जाता है, 650 के ऊपर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो ये अभी नेक्स्ट टारगेट यानी 13,000 के तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं, एक ही दिन में ये पॉसिबल नहीं होगा शायद। तो यहाँ पर ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, अभी 3 दिन बाकी है इस वीक को खत्म होने में। अगर ये 61.8% और 50% का ये जो लेवल होता है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ट्रेंड रिवर्सल, एक करेक्शन यानी टर्न अराउंड देखने को मिलता है यहाँ से इन दो लेवल्स के पास से। अभी डेली चार्ट में देखना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा या फिर यहाँ पर कुछ समय ये हर्डल फेस करेगा इस लेवल के पास और फिर ब्रेकआउट देके हमें 13,000 के लेवल्स तक निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर भी काफी निर्भर करता है। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो था। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर देखिए तो लास्ट ये 7-8 दिनों से कंटिन्यू जबरदस्त स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनते जा रहे हैं और हायर आय हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस कैंडलस्टिक की बात करें तो ये हैंगिंग मैन जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। ये सिर्फ सिग्नल है, अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। पैटर्न कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर एक इस तरह से
एक रेड कैंडल बनना जरूरी है, इसका लो ब्रेक करना जरूरी है, और रेड कैंडल बनेगा तो ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से सिग्नल दे रहा है, ऐसा सिग्नल जब भी आता है तब ये बुलिश टू बेरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ऐसा स्ट्रांग बेरिश कैंडल इस कैंडल के बाद यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अभी एक सिग्नल है, प्राइस एक्शन में भी देखा हमने। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आरएसआई को भी वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये 70 के पास आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें एक करेक्शन दिखाई देता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जब भी ये 70 के पास आए ऊपर प्राइस एक्शन में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल करेक्शन देखने को मिला। तो कॉशियस रहना होगा लॉन्ग जाते वक्त। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये अनचार्टेड टेरिटरी है, यानी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के जोन के पास पास्ट में कभी नहीं था। तो ऊपर 12,646 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,667। एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,685, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया कल इसने, तो इसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ, यानी पिवट पॉइंट को पकड़ लेते हैं, 12,583 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,559, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,535, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।